हेलो एवरीवन, आज हम राजनीति विज्ञान का चैप्टर 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से ये पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन की जो समस्या है वो 1960 के दशक से वैश्विक स्तर पर इसके लिए बात होने लगी, वो हम जानेंगे इस लेसन में। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण संबंधी चिंताएँ, अब पर्यावरण की क्या क्या चिंताएँ हैं वो देखते हैं। ऐसे कई पर्यावरणीय मुद्दे हैं जो वैश्विक राजनीति की चिंताएँ हैं, जैसे कि खेती योग्य भूमि की उपलब्धता में गिरावट आई है और मौजूदा कृषि भूमि का काफ़ी हिस्सा और प्रजनन क्षमता खो रहा है, यानी कि जो भूमि हमारे पास है एक तो उसमें भी कमी आई है और जो भूमि जो उसकी उर्वरता क्षमता होती है वो भी बार बार उस पर खेती हो रही तो उस वजह से उसमें भी गिरावट आ रही है। फिर है हमारा विकासशील देशों में लगभग 1.2 बिलियन लोगों की सुरक्षित पानी तक पहुँच नहीं है और 2.6 बिलियन की मानव विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार स्वच्छता तक कोई पहुंच नहीं है। प्रजातियों में समृद्ध क्षेत्रों में निवास स्थान के विनाश के कारण जैव विविधता का नुकसान जारी है। वनों की कटाई का कार्य प्राकृतिक निवासियों को हटाकर व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है। कई के बार क्या होता है, कई की जगह की जो वन वगैरह होते हैं, जंगल होते हैं, उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है किसी व्यक्ति की पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। तो इस तरह से उस क्षेत्र में जो पहले से जातियाँ रह रही होती हैं, प्रजातियाँ निवास करती हैं, उनको वहाँ से हटाना पड़ता है। तो इस तरह से ये भी बहुत ज़्यादा एक समस्या, इससे जो वहाँ का जैव विविधता होता है, क्योंकि जो जंगल होते हैं कहीं ना कहीं वो एक जैव विविधता का पार्ट होते हैं, वो उनके कट जाने से बहुत सी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। और क्या हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य के लिए एक और खतरा पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन की कुल मात्रा में लगातार गिरावट है। यहाँ तक कि तटीय जल भूमि आधारित गतिविधियों के कारण तेजी से प्रदूषित हो रहा है। आर्थिक विकास के पर्यावरणीय परिणामों ने 1960 के दशक के बाद से तेजी से राजनीतिक चरित्र प्राप्त किया है। और है हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP जैसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने पर्यावरण के मुद्दों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित शुरू कर दिया है। ये UNEP एक हमारा जो UNO है उसका ही एक पर्यावरण का कार्यक्रम है। तो इसने भी क्या है, पर्यावरण से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित शुरू कर दिया। तो ये अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंस वाली चीज़ हो जाती है कि UNO जैसी इतनी बड़ी जो संस्था है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, वो अगर पर्यावरण और इनसे रिलेटेड संसाधनों से रिलेटेड अगर इश्यूज़ देख रही है तो कहीं ना कहीं समस्या सिर्फ एक देश तक नहीं सीमित है, सभी देशों के लिए। फिर क्या हमारा June 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी से निपटने वाले सम्मेलन आयोजित किए गए थे और उन्होंने एजेंडा 21 नामक विकास प्रथाओं की एक सूची की सिफारिश की थी। यानी कि 1992 में जो ये सम्मेलन हुआ था उसके अंदर एक एजेंडा बनाया गया, एजेंडा 21 के नाम से। इस एजेंडे में 21 बातें कही गई थी, इसमें 21 चीज़ों की सूची की सिफारिश की थी। ग्लोबल कॉमन्स की सुरक्षा, अभी ग्लोबल कॉमन्स की सुरक्षा क्या होता है, ग्लोबल मतलब होता है पूरा विश्व और कॉमन्स मतलब सभी का, यानी कि साझी सुरक्षा। वो हम देखते हैं क्या है, कॉमन समुदाय द्वारा साझा किए गए संसाधन हैं जो व्यक्तिगत रूप से नहीं है, यानी कि ऐसे संसाधन जो किसी एक व्यक्ति के नहीं होते हैं वो और सभी के हों, उसको हम क्या कहते हैं, साझा संसाधन कहते हैं। जैसे कि हमारा वायुमंडल है और पृथ्वी है, सूर्य है, और जो हमारा अंतरिक्ष होता है, ये सब क्या है, किसी एक देश के नहीं है, ये सभी देशों के। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि इनके प्रति जो हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, हमारी नीतियाँ होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, साझा होनी चाहिए। दुनिया में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो किसी एक राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार के बाहर स्थित हैं और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा आम प्रशासन की आवश्यकता है। इसे ग्लोबल कॉमन्स के रूप में जाना जाता है। उनमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका क्योंकि पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है इसलिए इस पर भी जो है सभी कंट्रीज़ का रहता है, समुद्र तल और बाहरी स्थान शामिल है। इस तरह से क्या, कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें अंटार्कटिक संधि 1959, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 और अंटार्कटिक पर्यावरण प्रोटोकॉल शामिल हैं। अब देखो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, यानी कि एक तो होती है सम्मेलन होते हैं उसमें नीतियाँ बनाई जाती हैं,
उस पे जिन देशों जो जो देश उसमें कंट्री शामिल रहती है उनको वो मतलब मानना चाहिए ऐसा होता है। लेकिन प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि जब किसी चीज़ को कोई भी जो नीति है रणनीति है उसको एकदम बाध्यकारी तरीके से देशों पे लागू किया जाए तो उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। वैश्विक कॉमन्स के रूप में बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से पता चलता है कि इन क्षेत्रों का प्रबंधन उत्तर दक्षिण असमानताओं से पूरी तरह प्रभावित है। अब हम देखते हैं कि सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियाँ, जिम्मेदारियाँ कैसी होनी चाहिए? समान जिम्मेदारी होनी चाहिए लेकिन सबकी अलग अलग जिम्मेदारी होनी चाहिए। पर्यावरण के मुद्दे पर उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच मतभेद थे। अब देखिए जो हमारा जो गोलार्ध है पूरा नहीं कि पृथ्वी है जिसपे वो क्या है दो भागों में बटा हुआ उत्तरी और दक्षिणी। हम सब जानते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध में जो कंट्रीज आती हैं वो काफ़ी रिचेस्ट कंट्री हैं डेवलप्ड कंट्री हैं और जो दक्षिण है वहाँ पर जो गरीब कंट्री वगैरह हैं। तो इस तरह से जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं दोनों की अलग अलग होगी तो इसमें हमेशा मतभेद रहते हैं उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच में। उत्तरी देश चाहते हैं कि पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए हर कोई समान रूप से जिम्मेदार हो, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं विकसित देश हैं वो क्या चाहते हैं कि पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए सभी को समान रूप से जिम्मेदार होना चाहिए। लेकिन क्या है दक्षिण के विकासशील देशों का मानना है कि पारिस्थितिकी शरण विकसित देशों द्वारा किए गए औद्योगिक विकास का उत्पाद है, यानी कि जो ये पर्यावरण का इतना नुकसान हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है जो विकसित देश है उनकी वजह से हुआ है उनकी औद्योगिक विकास की नीतियों की वजह से हुआ है। तो इसलिए अगर विकासशील देशों का इतना उसमें रोल नहीं है तो इसलिए जो पारिस्थितिकी शरण है वो कहीं ना कहीं इनको ही ज़्यादा उसके लिए जिम्मेदार ठहराता है। अब क्या है रियो शिखर सम्मेलन 1992 में यह स्वीकार किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के नियमों के विकास और व्याख्या में विकासशील देशों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, यानी कि जो विकासशील देश है उनकी हम आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे। उन्होंने अपना विकास नहीं किया है तो उनको कहीं ना कहीं हमें छूट देनी पड़ेगी और विकास जो विकसित देश है उन पर हमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत है। फिर क्या देखते हैं 1992 का संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यह भी प्रदान करता है कि पार्टियों को इक्विटी के आधार पर कार्य करना चाहिए। यह स्वीकार किया गया है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की एक बड़ी मात्रा विकसित देशों में उत्पन्न हुई है और विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है। इस तरह से क्या है भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की आवश्यकताओं से छूट दी गई, यानी कि जो तीसरा सम्मेलन हुआ था हमारा 1997 में उसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से हम जानते हैं। ये जो क्योटो है वो क्या है एक जापान का एक शहर है। तो ये जो प्रोटोकॉल का मतलब मैंने आपको बताया था कि बाध्यकारी तरीके से कोई चीज़ मनवाना, तो इसमें जो चीन है और भारत जैसे जो देश है विकासशील देश है उनको इस चीज़ में छूट दी गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल औद्योगिक देशों के लिए अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की स्थापना का लक्ष्य है, यानी कि जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उसमें क्या था कि जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं उनके लिए एक मापदंड तैयार करना कि वो किस तरह से जो उनके यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है उसमें वो कटौती करेंगे। कॉमन्स प्रॉपर्टी रिसोर्सेज देखते हैं हम क्या देखते हैं कॉमन्स प्रॉपर्टी रिसोर्स, ये क्या होता है? ये समूह के लिए सामान्य संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ये एक नियम के साथ कि समूह के सदस्यों के पास प्रकृति के संबंध में अधिकार और कर्तव्य दोनों हैं किसी दिए गए संसाधन के उपयोग के स्तर पर। यानी कि कोई संसाधन है अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो हमारे उसके प्रति एक अकाउंटेबिलिटी बनती है, यानी कि कर्तव्य भी है अगर हम उसको ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकते हैं। अब क्या है लेकिन निजीकरण, कृषि गहनता मतलब होता है कि जो छोटे छोटे जो खेत वगैरह होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा लोग निर्भर होते हैं तो उसको हम कृषि गहनता बोलते हैं। जनसंख्या वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट जैसे मुद्दों ने आम संपत्ति को आकार में कम कर दिया है। ये जो प्रॉब्लम्स है इस तरह से क्या है जो कॉमन पीपल है उसकी संपत्ति कहीं ना कहीं कम होती है। फिर क्या है पर्यावरणीय मुद्दों पर भारत का रुख, अब हम ये देखेंगे कि भारत का क्या रुख है पर्यावरणीय मुद्दों पर। हालांकि भारत जो है कि विकासशील देश का है मतलब, लेकिन फिर भी पर्यावरणीय मुद्दों पर भारत कभी पीछे नहीं हटता, भारत हमेशा फुल सपोर्ट करता है पर्यावरण से रिलेटेड जो भी ये सम्मेलन वगैरह होते हैं उसमें। अब देखते हैं क्या क्या है। भारत ने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन किया है। भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की आवश्यकताओं में छूट भी दी गई है।
जून 2005 में G8 की बैठक में भारत ने बताया कि विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की दर विकसित दुनिया में एक छोटा सा हिस्सा, यानी कि जो विकासशील देशों का उत्सर्जन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, वो विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम होता है। भारत सरकार पहले से ही ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2011 के विद्युत अधिनियम और इतने पर जैसे कई कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक प्रयासों में भाग ले रही है। 1997 में रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में समझौतों के कार्यान्वयन की समीक्षा भारत द्वारा की गई थी। भारत ने सुझाव दिया कि विकासशील देशों को UNFCCC प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए विकसित देशों से वित्तीय संसाधन और स्वच्छ तकनीक प्राप्त करनी चाहिए। तो ये सब भारत जो है सुझाव भी देता रहता है। अब हम क्या देखते हैं, पर्यावरणीय आंदोलन। अब ये क्या है, अब पर्यावरण के लिए भाई आंदोलन भी चलाए गए हैं। क्यों? पर्यावरण को बचाने के लिए, वो देखते हैं कैसे। पर्यावरण की गिरावट की चुनौती के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं पर्यावरण के प्रति जागरूक स्वयंसेवकों के समूह से आई है, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे हैं। यानी कि पर्यावरण से जो मुद्दे होते हैं उनके लिए बहुत से लोग जो है कार्य करते हैं। तो स्वयंसेवक संगठन होते हैं, समूह होते हैं इस तरीके के, मतलब कई कई देशों में होते हैं। दक्षिण के वन आंदोलन, अब देखते हैं पर्यावरण आंदोलन कौन कौन से हैं।